हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू लाइफ साइट विजिट अगेन। तो मैं रवि विशिष्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर बेटर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए चंडीगढ़ के अंदर। जी हाँ, चंडीगढ़ की एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन 35D की लोकेशन के अंदर आज हम आपको लेके आए हैं, जहाँ पे आज हम आपको शो कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट 170 स्क्वायर यार्ड की एक इंडिपेंडेंट कोठी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज हम आपको 35D के अंदर लेके आए हैं चंडीगढ़ के अंदर एक इंडिपेंडेंट कोठी शो करने के लिए अप्रोक्सीमेट 170 स्क्वायर यार्ड की। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो डिजाइनिंग है, आर्किटेक्ट वर्क है, इंटीरियर वर्क है, ये सारा फुलका बिल्डर की तरफ से किया गया है। फुलका बिल्डर के बारे में बात करें तो न्यू चंडीगढ़ में अगर बात करें तो DLF, ओल्टस, ओमैक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो फुलका बिल्डर्स की तरफ से इंडिपेंडेंट कोठियों का, फ्लोर्स का किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं चंडीगढ़ के आसपास तो फुलका बिल्डर से कॉन्टैक्ट जरूर करें। आपको नीचे नंबर दे दिया जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है काफ़ी अल्टीमेट है, बिकॉज इसके सामने काफ़ी बड़ा पार्क दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, पार्क देखने के बाद अभी आप देख सकते हैं ये जो कोठी है इसका एलिवेशन बहुत ही बेहतरीन डिजाइन में तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है पूरी हैबिटेट लोकेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी सभी फैमिली स्टे कर रही हैं आज की डेट में। तो अगर मैं कोठी की बात करूँ, सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेट 40 फीट की रोड दी गई है और 6.5 फीट के करीब की ये बर्म आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही हम एंट्री करेंगे, जो गेट है वो काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर स्टील वर्क प्लस वुड वर्क इंक्लूड करके एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हम एंट्री करते हैं तो कार पार्किंग का प्रोविज़न दिया गया है, फ्रंट लॉन का प्रोविज़न दिया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस 170 स्क्वायर यार्ड के साइज के अंदर फ्रंट यार्ड निकाला गया है। देन अगेन, जैसे हमने स्टार्टिंग में गेट की बात की थी, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रॉपरली स्टील वर्क किया गया है, जो कि आपकी सिक्योरिटी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोविजनिंग की गई है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने फ्रंट पे एलिवेशन देखा कि 3 फ्लोर्स बने हुए हैं इस कोठी के अंदर, तो ये स्टेयर केस है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए दी गई है। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर देखेंगे, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो कॉम्बिनेशन है 2BHK का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया गया है, 2 बेडरूम 2 वॉशरूम, ड्राइंग डाइनिंग किचन। तो आइए विजिट करते हैं ग्राउंड फ्लोर। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे भी आप देखिए जो जाली डोर है उसको कितना ज़्यादा डिजाइनिंग बनाया गया है, बीच में ग्लास वर्क यूज़ किया गया है। देन एज सिक्योरिटी के लिए जो हैंडल्स हैं, ठीक है, जो लॉक्स हैं, काफ़ी अच्छे से यूज़ किए गए हैं। देन उसके बाद में प्रॉपरली टिप के बाद वुड वर्क के साथ ये मेन डोर आ जाता है, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ही बेस्ट दिया गया है। देन उसके बाद डायरेक्टली हम एंटर होते हैं ड्राइंग एरिया के अंदर। फ्रेंड्स, जैसे हम ड्राइंग एरिया के अंदर एंटर होते हैं, LCD पैनल आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली मार्बल का यूज़ किया गया है फ्लोरिंग के लिए। देन जो इंटीरियर है, सोफा सेट्स वगैरह सारे कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है, AC लगाया गया है, स्प्लिट AC के प्रोविजनिंग करके दी थी फुलका वेल्डर्स की द्वारा, ठीक है। उसके अलावा शैंडलर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, जो कि एक क्लासिक लुक प्रोवाइड करवाते हैं इस कोठी को। देन प्रॉपरली फॉल सीलिंग का यूज किया गया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी घर का, वो आता है डाइनिंग एरिया, जस्ट एडजाइनिंग टू ड्राइंग एरिया डाइनिंग एरिया प्रोविजन दिया गया है, जिसमें ये 6 सीटर का डाइनिंग एरिया यहाँ पे लगा के शो किया गया है। फ्रेंड्स, कपबोर्ड का आप डिजाइन देखेंगे बहुत ही अच्छा तैयार किया गया है, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन स्टोरेज का प्रोविज़न दिया गया है, प्लस वॉश बेसिन का भी प्रोविज़न दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कवर्स के बाद ड्राइंग डाइनिंग के बाद बात करें तो यहाँ पे जो घर की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, एक मंदिर की एक स्टोरेज की, वो दोनों प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं। ये काफ़ी अच्छे साइज का अप्रोक्सीमेट 5x6 का मंदिर प्रोवाइड किया गया है, सेम साइज का यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दिया गया है।
देन उसके बाद अगर हम बात करें बेडरूम्स की, तो आइए चलते हैं बेडरूम की ओर। ये सबसे पहला बेडरूम आ जाएगा जिसका साइज काफी ज्यादा बढ़िया दिया गया है, अप्रोक्सीमेट 13x14 14.5 के करीब का ये बेडरूम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फ्लोरिंग पूरी कंप्लीट दी गई है, देन फॉल सीलिंग कंप्लीट दी गई है, सीलिंग काफी अच्छे से प्रोवाइड की गई है, आर्किटेक्ट वर्क इंटीरियर वर्क बहुत ही अच्छा किया गया है। आप देख सकते हैं टीवी पैनलिंग बड़े अच्छे से तैयार की करके दी गई है। प्लस आगे देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये काफ़ी अच्छा एक ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ बात करूँ तो इस बेडरूम के साथ ये फ्रंट का बालकनी एरिया भी काफ़ी अच्छी विंडो दी गई है विद जाली डोर। फॉर वेंटिलेशन, फॉर लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोविज़न किया गया है। फ्रेंड्स इस रूम के साथ में आप देख सकते हैं कवर्ड का काम बहुत बढ़िया किया गया है आपकी स्टोरेज के लिए। देन साथ में अटैच वॉशरूम रहेगा, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से वॉशरूम डिजाइन करके दिए गए हैं। जो फिटिंग्स है सारी ब्रांडेड फिटिंग्स यूज की गई हैं, काफी ज्यादा स्पेसियस वॉशरूम प्रोवाइड किए गए हैं। सो नाउ फ्रेंड्स आफ्टर फर्स्ट बेडरूम नाउ गो टू सेकेंड बेडरूम। अगेन ये भी एक बहुत ज़्यादा स्पेसियस बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। अगेन वुडवर्क का काफ़ी अच्छा यूज हुआ है। सबसे पहले फ्लोरिंग देख सकते हैं सारी मार्बल फ्लोरिंग यूज की गई है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स टीवी पैनलिंग काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लुक में प्रोवाइड की गई है, हर एक चीज़ आर्किटेक्ट ने बड़े ही अच्छे से प्लान की है, इंटीरियर वर्क बहुत अच्छे से किया है, फॉल सीलिंग कंप्लीट प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं स्पेसियस बेडरूम है बिकॉज बेड लगाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एरिया बच जाता है। देन दोनों साइड स्टोरेज का प्रोविजन किया गया है, स्मॉल स्टोरेज, देन वार्डरोब काफ़ी अच्छे से डिजाइन करके दी गई है। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये बेडरूम काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इसके साथ में ही अलग से ड्रेसर एरिया दिया गया, देन अटैच वॉशरूम दिया गया है। हैव अ लुक, आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी बढ़िया वार्डरोब बना के दी गई है, ड्रेसर एरिया बना के दिया गया है, सामने मिरर लगाया गया बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स अटैच वॉशरूम आ जाता है साथ में, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया गया है, एंटी स्किड टाइल्स यूज की गई हैं, इंटीरियर वर्क आर्किटेक्ट वर्क अगेन बहुत ही बढ़िया जल कर रहा है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं जो भी शावर है, जो भी सैनिटरी फिटिंग्स है, सारी ब्रांडेड यूज की गई है। अगेन यहाँ पे जैगुआर कंपनी की सारी ब्रांडिंग फिटिंग्स यूज की गई है। और साथ ही साथ वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, हर एक वॉशरूम में पूरे घर में ही वेंटिलेशन का बहुत अच्छा यूज रखा गया है, चाहे वो सनलाइट हो चाहे वेंटिलेशन हो, पूरे घर में आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट सेकंड बेडरूम। और साथ में आपको बताना चाहूंगा जैसे पहले जो हमने बेडरूम देखा था वो फ्रंट साइड में था, ये बैक साइड में था, तो इसके साथ ना बैकयार्ड काफी अच्छा आ जाता है। आप देख सकते हैं काफी स्पेसियस बैकयार्ड एरिया आ गया। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया ये बैकयार्ड एरिया है, तो इसमें आप फैब्रिकेटेड वर्क यूज कर सकते हैं। इसको एज अ वॉशिंग एरिया आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पेसियस यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स साथ ही साथ किचन के साथ में एक वेट एरिया दिया गया है,
जो कि इसी बैकयार्ड के अंदर बहुत ही अच्छा प्लान किया गया है। डबल सिंक के साथ आपको वेट एरिया मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दो बेडरूम अभी तक हमने देख लिए हैं, तो अभी चलते हैं घर के एक मेन सेगमेंट के अंदर, किचन की ओर। आइए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेसियस किचन प्रोवाइड किया गया है। ये जो फिटिंग है सारी, ये सारी हेटेक कंपनी की ब्रांडेड फिटिंग्स यूज की गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। फर्स्ट फ्लोर पे आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो डिज़ाइन किया गया है, एक ऑफिस स्पेस डिज़ाइन की गई है, देन एक 1 BHK टाइप 1 बेडरूम पूरा एक तैयार करके दिया गया है। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो फ्रेंड्स, जो स्टेयर केस हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन की गई हैं। पूरा स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है। देन उसके बाद जो मार्बल है, ये पूरी एंटी स्किड यूज़ की गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोवाइड किया गया है, वो एक ऑफिस स्पेस है। देन हमारे बैक साइड में जो प्रोवाइड किया गया है, ये एक पूरा ड्राइंग डाइनिंग के साथ एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। तो आइए चलते हैं पहले ऑफिस स्पेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम एंटर होंगे इस साइड, ये पूरा ऑफिस स्पेस है। यहाँ हमारे एक एडवोकेट हैं जो अपनी पूरी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना पूरा ऑफिस सेट कर रखा है। काफी अच्छा एक ऑफिस स्पेस निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहां भी कंप्लीट फॉल सीलिंग प्रोवाइड की गई है। बहुत ही बढ़िया एक रूम बना के दिया गया है, जिसमें आप बहुत ही बढ़िया ऑफिस सेट कर रखा है इन्होंने। और आप देख सकते हैं जो नीचे फ्लोरिंग है, ये बहुत ही बेहतरीन यूज़ की गई है, जो कि वुड लुक में आती है। बेसिकली ये टाइल्स है, लेकिन वुडन फ्लोरिंग की लुक में है। तो जैसे वुडन फ्लोरिंग होती है, कभी भी पानी लगने से ख़राब हो जाती है, लेकिन ये ऐसी दिक्कत इनमें कभी नहीं आती और लुक अपने को लुक वाइज सबसे बेस्ट लगती है। और साथ में ही पूरा वेंटिलेशन का और सनलाइट का प्रोविज़न दिया गया है। ये ऑफिस जो है घर के फ्रंट साइड में आता है, तो यहाँ पे लाइटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये ऑफिस स्पेस के साथ में भी एक वॉशरूम का प्रोविज़न दिया गया है। वॉशरूम पूरा कंप्लीट बना के दिया गया है। अगेन, ये एक बहुत ही स्पेसियस वॉशरूम है। कोई भी कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको वॉशरूम तो चाहिए ही होता है। तो ये आर्किटेक्ट ने, इंटीरियर डिजाइनर ने सारा कुछ साथ में प्रोवाइड किया गया है और एक बहुत ही बेहतरीन लुक दी गई है। फ्रेंड्स, आइए फिर अभी चलते हैं घर की ओर, ठीक है। तो ये जो हमने सबसे पहले आपको सेकंड एंट्री दिखाई थी, जो कि डायरेक्टली ड्राइंग डाइनिंग एरिया एक शो किया गया है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। काफ़ी अच्छे कवर्स यहाँ भी बना के दिए गए हैं। दिए गए छोटी किचनेट का प्रोविजन भी दिया गया आपके लेफ्ट हैंड साइड में। हर एक चीज को बहुत अच्छे से प्लान करके बहुत ही अच्छा बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्लासिक और डैशिंग लुक के अंदर बनाई गई है। हर एक चीज एक एक तरीके से चुन चुन के लगाई गई है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मेन बेडरूम दिया गया है, जो कि अगेन एक्स्ट्रा स्पेसियस बेडरूम दिया गया है। अप्रोक्सीमेट 15x16 के करीब का ये बेडरूम है। बेड लगाने के बाद भी काफ़ी जगह बच जाती है।
वार्डरोब बहुत ही बढ़िया वॉल टू वॉल बना के दी गई है, फॉल सीलिंग बहुत ही अच्छी की गई है, अगेन स्प्लिट एसी की प्रोविजन करके दी थी, स्प्लिट एसी लगा के दिया था। उसके बाद में वेंटिलेशन की बात करें, अगेन पूरा ये ग्लास वर्क यूज़ किया गया है सनलाइट के लिए, और प्लस बैक साइड में बालकनी है, बालकनी काफ़ी स्पेशियस दी गई है, प्लस यहाँ पे भी आपको वॉशिंग एरिया का प्रोविज़न करके दिया जा रहा है, टैब लगा के दी जा रही है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिए जा रहे हैं, अगेन स्पेशियस बालकनी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी दी गई है। तो फ्रेंड्स बालकनी देखने के बाद अभी आप देख सकते हैं ये जो टीवी पैनल है, एलसीडी पैनल है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भी तैयार करके दिया जा रहा है। वुडवर्क जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है, और साथ में ये अगेन ड्रेसर प्लस अटैच वॉशरूम दिया गया है। हैव अ लुक। बहुत ही अच्छा ड्रेसर दिया गया है, बहुत ही स्पेसिस एरिया प्रोवाइड किया गया है, अटैच वॉशरूम रहेगा, और वॉशरूम भी अगेन बहुत ज़्यादा स्पेसिस दिया गया है, प्लस आप हर एक चीज़ देख सकते हैं, एक एक चीज़ पूरी चुन चुन के लगाई गई है, इंटीरियर वर्क, आर्किटेक्ट वर्क, अगेन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यूज़ किया गया है, जो भी फिटिंग्स हैं सारी की सारी ब्रांडेड फिटिंग्स अगेन यूज़ की गई है। फ्रेंड्स होपफुली आपको ये घर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी इंटीरियर वर्क, आर्किटेक्ट वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना चाहते हैं नियर अबाउट चंडीगढ़, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको फुल्का बिल्डर्स तक पहुंचाएगी और आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस हमेशा की तरह प्रोवाइड करवाएंगे। अगर हम इस घर की सेकेंड फ्लोर की बात करें तो फ्रेंड्स सेकेंड फ्लोर सिमिलर है, जैसे ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाया, सेम डिटो कॉपी सेकेंड फ्लोर पर भी आपको एक फ्लोर बना के दी जा रही है, प्लस रूफ राइट्स अगेन, क्योंकि ये एक प्लॉट था, एक कोठी है, तो रूफ राइट अगेन आपके पास रहेंगे, एक स्पेसियस रूफ भी आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके की और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइफ साइट विजेट। थैंक यू सो मच।